नमस्कार भाई और बहनों, मैं डॉक्टर नरेंद्र अहलावत हूँ। मैं एज ए न्यूरो सर्जन पानीपत में पिछले 10 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और आजकल मैं आरटीओएस हॉस्पिटल, जो कि हम चार डॉक्टर्स ने मिलकर, डॉक्टर जसवीर मलिक फिजिशियन, डॉक्टर अमित मलिक साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर नरेंद्र आरटीओ ऑर्थोपेडिशियन और मैं, चारों ने मिलकर एक नया हॉस्पिटल यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो कि रोटी रोड पे सेक्टर 7 में टेलर पार्क के पास पड़ता है, डी फ्लाईओवर के साथ में। इसमें एज ए न्यूरो सर्जन एंड स्पाइन सर्जन मैं आजकल अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों से 2-3 जो मुख्य जो न्यूरो सर्जरी की प्रॉब्लम जो आम तौर पे मरीजों को देखनी पड़ती है, तो उसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरालिसिस के बारे में, जो कि आम भाषा में स्ट्रोक या अधरंग इस तरह से काफी लंब से जाना जाता है। तो स्ट्रोक क्या होता है? बेसिकली दिमाग में किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में खून की सप्लाई का बंद हो जाना या खून की नस का फट जाना, तो दोनों ही केसेस में पेशेंट को एक दिमाग का कुछ हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफी सिम्टम्स आते हैं। एक तरफ का हिस्सा बॉडी का काम करना छोड़ देता है, राइट या लेफ्ट, या फिर पेशेंट को बोलने में दिक्कतें आती हैं, या फिर पेशेंट को सडनली दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स पेशेंट को सडनली डेवलप होते हैं, तो उसमें मोस्ट कॉमनली पेशेंट को स्ट्रोक डेवलप हो रहा होता है। तो उसको हम कैसे पता करते हैं कि पेशेंट को क्या किस कारण से हुआ है ये? तो पेशेंट अगर इनिशियल कुछ टाइम में, अगर शुरुआती 3 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, तो पेशेंट को हम सीटी स्कैन द्वारा ही जान सकते हैं कि उसकी नस फटी है या नस ब्लॉक हुई है। सीटी स्कैन सबसे शुरुआती टेस्ट है, जिससे कि अगर पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ होता है या शुगर बढ़ी हुई होती है। मेन कारणों में क्या होता है स्ट्रोक के, या तो पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या पेशेंट की शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है, या पेशेंट क्रॉनिक स्मोकर है या क्रॉनिक अल्कोहलिक है, या मतलब काफी ड्रिंक करता है रेगुलरली, तो उस पेशेंट को स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन पेशेंट्स के लिए शुरुआती 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जिन पेशेंट्स को नस ब्लॉक होती है। वो कैसे पता चलेगा? वो सीटी स्कैन द्वारा पता चलेगा। हेमरेज अगर हुआ है, फिर तो पेशेंट का बीपी कंट्रोल करना है और हेमरेज को कंट्रोल करने की दवाइयां देनी है। बट अगर पेशेंट की नस ब्लॉक हुई है, तो शुरुआती 3 घंटों में हम उसको एक इंजेक्शन दे सकते हैं खून पतला करने का, जिससे कारण नस खुल जाती है और पेशेंट का पैरालिसिस काफी हद तक रिकवर कर सकता है। अगर ये 3-4 घंटे निकल जाते हैं, तो पेशेंट को जिंदगी भर वो स्ट्रोक के साथ जिंदा रहना पड़ सकता है, क्योंकि स्ट्रोक काफी टाइम पूरा रिकवर नहीं भी करता है। तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक शुरुआती जो टाइम होता है, वो हम घर पे निकाल देते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, या फिर हम काफी टाइम झाड़ फूक वालों के पास चले जाते हैं कि भाई झाड़ फूक करने से, या फिर कोई इंजेक्शन लगाएगा जिससे कि मतलब कोई ऐसा जो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके पास जाके हम लोग समय निकाल देते हैं कि भाई जिससे कि वो वाला टाइम पीरियड अगर निकल जाता है, तो आगे वो फिर रिकवरी थोड़ी दिक्कत वाली हो जाती है। तो स्ट्रोक का मेन कारण है बीपी बढ़ना, शुगर बढ़ना और स्मोकिंग। तो हमें अपनी दिनचर्या ठीक रखनी चाहिए, हमें रेगुलर अपना बीपी शुगर ये सब चेक कराते रहना चाहिए। जो पेशेंट्स बीपी और शुगर के मरीज हैं, उन लोगों को अपना रेगुलर चेकअप हमेशा कराते रहना चाहिए और बीपी और शुगर की दवाइयां कभी छोड़नी नहीं चाहिए। रेगुलर व्यायाम बहुत जरूरी है, जिससे कि पेशेंट को मोटापा ना बढ़े और पेशेंट डे टू डे में एक्सरसाइज करता रहे। तो स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो आजकल इसका रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो उसके बारे में मैं आज ये बताना चाहता था कि एटलीस्ट हमें शुरुआती जो टाइम पीरियड है, उसके बारे में बहुत जागरूक रहना चाहिए।